हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावल 7.2 कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई न्यू सिलेबस का 8वां प्रश्न। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 हो और बी ए बी पर स्थित हो। देखिए, आपके पास दो बिंदु है, ए और ये बी, ठीक है, और इनको मिला लेते हैं हम इस प्रकार। इसके निर्देशांक -2, -2 और इसके निर्देशांक आपके पास 2 और -4 है। यहाँ पर कहीं पे भी पी बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है, वो हमें ज्ञात करने हैं। जब और ये अनुपात ज्ञात, ये आपका M1 है, ये M2 है। अब हमारे पास एक के निर्देशांक भी है, बी के भी है, पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उसके लिए हमें अनुपात की आवश्यकता होती है कि पी बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। उसके लिए हमारे पास दे रखा, देखिए, ए पी बराबर 3/7 यहाँ ए बी है, ठीक है, क्या है, ए बी, ए बी है। अब ए बी का मतलब क्या है, यहाँ हम ए बी को क्या लिखते हैं, ए पी प्लस पी बी लिखते हैं, 3/7 ये आपका ए पी प्लस पी बी, पी बी, पी बी लिख दिया हमने। अब अपने पास देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि ए बी दोनों टुकड़ों को मिलाते हैं तो ए पी बनता है। यहां पर ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब ये क्या है, ए पी है, ए पी 7, इससे गुणा हो जाएगा 7 ए पी बराबर, वजह गुणा हो गया। इधर आप कोष्ठक खोल देंगे या पहले लिख देता हूं ए पी प्लस पी बी और 7 ए पी बराबर, अभी कोष्ठक खोलेंगे, 3 ए पी प्लस 3 पी बी। अब क्या कहते हैं इसको, पक्षांतरण कहते हैं, 7 ए पी माइनस 3 ए पी बराबर 3 पी बी, ये अपने पास 4 ए पी हो गया बराबर 3 पी बी हो गया, ठीक है, और ए पी बटा पी बी बराबर आपके पास 3/4, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना अनुपात जो आ गया ए पी और पी बी के अंदर 3/4 का अनुपात आ गया। अब इस अनुपात को हमें काम में लेना है और विभाजन सूत्र से हमें एक्स को, इस एक्स और वाई को ज्ञात करना है। अब हम विभाजन सूत्र की बात कर रहे हैं तो विभाजन सूत्र लिख लेते हैं। पहले विभाजन सूत्र एक्स बराबर अपने पास क्या है, M1 x2 + M2 x1 / M1 + M2 और वाई इक्वल टू अपने पास होता है M1 y2 + M2 y1 / M1 + M2। ये इस प्रकार से। अब हम पहले x की बात करेंगे, x यहां से है बराबर M1 का मतलब यहां पे आपका, देखिए इसको हम लिख सकते हैं M1 / M2। M1 का मतलब 3 है, ये 3 लिखा, गुणा x2 यहां कितना है, 2 है, तो प्लस M2 यहां 4 है, देखिए आप से ध्यान से देखिएगा, ये 4 है, गुणा ध्यान से देखिए ताकि हर एक बार समझ में आ गया, फिर नींद में भी आपको उठा के पूछेंगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे, नींद में से भी एकदम से कहेंगे हाँ वाह M2 4 ही था। 4 x1 माइनस के 2 है, माइनस के 2 बटा M1 + M2 3 + 4, अब ये 3 × 6 हो गया और प्लस और माइनस गुणा माइनस और 4 × 8/7 बराबर आपके पास माइनस ही 2 संख्या रहता है, -7/2, ठीक है, एक्स का मान आपके पास आया -2/7। इसी प्रकार हम वाई का मान ज्ञात करते हैं, वाई
इज इक्वल टू एम वन तीन गुना, ये एम वन आपका तीन हो गया, गुना आपका वाई टू माइनस के चार प्लस एम टू चार इंटू वाई वन माइनस के दो बटा तीन प्लस चार इज इक्वल टू चार तीन बारह माइनस के बारह और माइनस और प्लस गुना के माइनस के चार दूनी आठ बटा सात माइनस के बीस बटा सात और वाई इज इक्वल टू अपने बात क्या गया माइनस बीस बटा सात, ये माइनस के बारह माइनस के आठ दोनों जुड़ गए माइनस के बीस हो गए। इस प्रकार P के निर्देशांक के है आपके पास P x का मान कितना आया माइनस के दो बटा सात और y का मान कितना आया माइनस बीस बटा सात। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में नोटबुक भी रखिए, पेन और नोटबुक हर चीज को नोट करते जाइए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे जो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।